हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा जो बैंगल कलेक्शन है वो। लाइक मेरे शादी के तो एक ही साल हुआ है, एक साल और कुछ महीना हुआ होगा, दो या तीन महीना ऐसे ही कुछ हुआ होगा, और मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, बट इट्स ओके। मेरे पास जो भी है मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बस मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास ऐसे बैंगल्स हैं, आप चाहे तो आप भी रख सकते हैं, दैट्स ऑल। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी उस तरीके का ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या ऑफलाइन भी कहीं भी ले सकते हैं। बस इसीलिए मैं दिखा रही हूँ, और सो प्लीज़ इस ये सब चीज़ मत सोचिएगा मेरे बारे में। और मेरे पास ज़्यादा बैंगल्स है नहीं, लेकिन जो भी है मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है बैंगल कलेक्शन का। एंड ऑब्वियसली मेरे पास मतलब चूड़ी जो होता है डब्बा वाला वो बहुत सारे हैं, तो उतना दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो जो मेरे पास स्पेशल चूड़ी है वो मैं दिखा रही हूँ। या चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सारा चूड़ी है। एक्चुअली मैं बेड पे ही शूट कर रही हूँ वीडियो, इट्स ओके। तो यहाँ से है, मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो जो सबसे पहला वाला आता है वो ये बॉक्स मैं ली थी पटना से, एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा था मुझे, और काफ़ी अच्छा है चूड़ी वगैरह रखने के लिए, एंड इसमें लॉक सिस्टम दिया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं ये ले ली थी। देन आई विल शो यू इट। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, बट इट्स ओके। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोग को, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा स्टॉपर लगा देती हूँ यहाँ पे कुछ। तो मुझे ये लगाना पड़ा कुछ इस तरीके से, तब ये खुल पाया है और मैं बिना डिस्टर्ब के आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो ये है जो मैं इधर ही रिसेंटली ली हूँ, लाइक मुजफ्फरपुर बेतिया से। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो ये एक एक पीस का बाला है जो मैं हमेशा पहनती हूँ, आप लोग को पता होगा। मैं यूजुअली डेली यूज़ में या इधर कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं ऐसा ही वन पीस पहनती हूँ। मुझे ज़्यादा चूड़ी पहनना पसंद नहीं करती हूँ, फेस्टिवल में या कहीं भी कुछ फंक्शन हुआ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पहन लेती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे कहीं भी या घर पे मुझे ज़्यादा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक एक पीस का जो बैंगल्स आता है, जिसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो उस टाइप का मैं पहन लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर लगता है इसी वजह से। चलिए ये है नेक्स्ट। ये मैं ली थी जब मैं गई थी देवघर घूमने, तब अगर आप मेरा ब्लॉग नहीं देखे हैं देवघर का तो जाके देख सकते हैं। तो ये है, ये सिप का बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा मेरे को, तो मैं ये ले ली थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मल्टी कलर का है, जनरली आप देखेंगे तो मेरे पास मल्टी कलर ज़्यादा होंगे, बट इट्स ओके। और ये है मेरे पास अगेन दो पीस का बैंगल्स, ये लहठी का है, और ये मैं ली थी मुजफ्फरपुर से, शादी के टाइम ही मैं ये ली थी, और शायद मैं इसे एक भी बार नहीं पहनी हूँ। और ये है, ये भी दो पीस का बैंगल है, इसे मैं ली थी देवघर से इसी यही सब के साथ। तो ये कुछ अच्छा है, सूट वगैरह पे पहनने के लिए ज़्यादा बेटर होता है, तो ये मुझे पसंद आया तो मैं ले ली। ये भी लहठी है, एंड अगेन ये भी मैं देवघर से ही ली हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा, और ये भी लहठी है और अच्छा लगा, तो मैं ये सब ले ली थी। अगेन ये शादी के टाइम में मिली थी, और जब मैं गई थी एक शॉप पे ना, तो मुझे ये पूरा सेट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, और उस वक्त बहुत ज़्यादा चला हुआ भी था, इसलिए मैं ये ले ली थी। लेकिन अभी मैं एक भी बार नहीं पहनी हूँ, लेट्स सी कब मैं पहनती हूँ इसे। एंड ये मेरा लहठी जो शादी में पहना गया था वो, और इसे मैं ली थी मुजफ्फरपुर से। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुजफ्फरपुर में लहठी का ही है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है, और बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए तो मुजफ्फरपुर जाना ही जाता है लहठी के लिए, तो वहीं का है ये, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, देख सकते हैं। ये मैं शादी में पहनी थी, अगर आप मेरा शादी का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, उस टाइम दिख गया होगा आपको कहीं भी मैं पहनी होंगी, उस टाइम जब शादी होता है ना उस वक्त। तो यही है वो, ये अप्रॉक्स प्राइस वगैरह मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये भी है समथिंग 2000 का होगा अप्रॉक्स, ऐसा ही कुछ। ये हो गया ख़त्म, अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब अचानक से ये नहीं बंद हो रहा है, ऐसे मैं खो रही थी तो बंद हो जा रहा था, इट्स ओके। नाउ अब मैं इसको दिखाती हूँ, ये भी इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो भी आप देख लीजिए। तो इसमें है ये भी मैं मुजफ्फरपुर से ली थी, ये और ये दोनों सेट है। मैं दोनों को अलग अलग रखी हूँ क्योंकि इसमें मैं जब रख रही थी ना तो काफ़ी ज़्यादा
अच्छे से नहीं हो पा रहा था एडजस्ट इसी वजह से। तो ये भी लड़ी है, लड़ी का जो चूड़ी आता है ना वो है ये, और ये मैं इसे बहुत बार पहन भी चुकी हूँ, देख सकते हैं ये थोड़ा सा पुराना हो गया, बट इट्स ओके, अभी बहुत चल जाएगा इसलिए मैं इसे रखी हुई हूँ। एंड ये और ये सेट है चूड़ा का, इसे इसको ना मैं देवघर से ली थी जब मैं गई थी तब, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं इसे आज तक नहीं पहनी हूँ अभी तक। लेट्स सी कब मैं पहनती हूँ, कुछ डिसाइडेड नहीं है। ये दोनों सेट है, और ये तो ऐसे ही है, ये भी मैं पहनी हुई हूँ, इसका एक एक पीस, और एक एक पीस ये है। इसे मैं ली थी लाइक अभी रिसेंटली बेतिया से, तो यही है इसमें। एंड नेक्स्ट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आई शो यू। इसमें है ये वॉलवेट का चूड़ी, वॉलवेट का चूड़ी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो कांच वाला होता है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये वॉलवेट का चूड़ी है, ये चूड़ियाँ मैं अपने इंगेजमेंट में पहनी थी, तो सारा ऐसा ही है, मैं फिर दोबारा नहीं पहनी हूँ, बट लेट्स आई विल सी कब मुझे पहनना है। और ये मैं तो इधर रिसेंटली ली हूँ ये दोनों चूड़ी, ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, ये भी वॉलवेट का ही है। वॉलवेट का अच्छा लगता है मुझे, मैं सोच रही हूँ कि वॉलवेट का और भी ज़्यादा कलेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि वॉलवेट ज़्यादा रिच लुक देता है। अगर आप बैंग साइड साइड में जो भी बाल जो भी आता है साइड साइड में लगाने का, वो अगर आप लगा लेते हैं, या अगर आप प्लेन भी पहनते हैं ना वॉलवेट, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अभी तो मेरे पास वॉलवेट यही तीन कलर का है, और ये मैं ली हूँ बेतिया से लाइक रिसेंटली अभी। सो ये इतना ही कलेक्शन है मेरे पास वॉलवेट का। और नेक्स्ट आते हैं इस पर, ये मैं मंगवाई हूँ अमेज़ोन से, ये भी सिप का ही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ख़राब भी नहीं होता है, तो इसे मैं बहुत कम यूज़ की हूँ, लाइक 5-6 बार पहनी होंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैं मंगवाई थी लाइक अमेज़ोन से 500 का, और ये अभी भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं हो सके तो मैं लिंक डाल दूँगी, लेकिन आप अमेज़ोन पर वैसे भी जाइएगा तो ये आपको आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफ़लाइन लेना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये ऑफ़लाइन बहुत ज़्यादा आ गया है, और जब मैं ऑफ़लाइन इसका रेट पूछी थी तो अप्रॉक्स 400 में ये दे देते हैं, तो इसलिए आप ऑफ़लाइन लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो अगर ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन आई हैव, लाइक ये मेरा चूड़ा है शादी का, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप मेरा ट्रैवल ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं इसे बहुत बार पहनी हूँ, और ये अभी तक वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। मैं इसे ली थी पटना से, लाइक पटना से ही कहीं मार्केट से मैं ली थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसका प्राइस भी लाइक दिस कॉस्ट यू 5000 रुपीज़, और इसका जो रिच लुक है वो मैं बता नहीं सकती, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच लुक में है, आप देख सकते हो, और इसका जो भी ये सब कड़ा है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये चूड़ा मेरा बेस्ट है, मैं चूड़ा के लिए ना बहुत जगह सर्च की थी, लेकिन मुझे ये कहीं मिला नहीं, लेकिन एक ही जगह मिला तो मैं इसे ले ली थी। और ये इस तरीके का जो बॉक्स में आता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, यू नो, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है, बट जितना कॉस्टली है उतना का वर्थ भी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये मैं अभी तो फ़िलहाल नहीं पहन रही हूँ, बट जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इसे ही पहनती हूँ। मैं अब सोच रही हूँ इसे निकालने का, ये चूड़ा, लेट्स सी क्या होता है, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। और हाँ, ये मेरे पास है लाइक, इसको तो मैं भूल ही गई, ये जो है ना वो इसी का है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो लड़ी है ना उसी के आगे और पीछे लगाने का है ये, बट मैं इसे नहीं पहनी थी, मैं सिंपल यही पहन ली थी शादी में, ये दो ये चारों को नहीं लगाई क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था। तो हो सके मैं इसे एक एक करके पहनूं या फिर लगा के पहनूं, पता नहीं, ये मेरे मूड पर डिपेंड होता है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट ये है मेरे पास क्या बोलते इसको, जो भी है बैंगल्स, ये मैं ली थी लाइक इधर ही, क्या बोलते हैं इसको, इसे मैं ली थी बेतिया से, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, ये समथिंग टेढ़ा टेढ़ा काइंड ऑफ है, वेट आई शो यू, कुछ इस तरीके का है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसे ले ली हूँ। और ये भी लर्टी, और ये वाटरप्रूफ है, और इसे मैं डेली यूज़ में भी पहन लेती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ख़राब भी नहीं होता है। नहीं तो लर्टी में क्या होता है ना कि तुरंत पहनी और तुरंत उसका कलर निकलने लगता है, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है जल्दी, इसीलिए तो मैं इसे ले ली थी।
शर्ट ही मुझे अच्छा लगता है, बट वो ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसी वजह से मैं उतना नहीं लेती हूँ। वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता है, और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लर्टी को रखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाता है। इसी वजह से मेरे पास ज़्यादा लर्टी का कलेक्शन नहीं है, और मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ सिप का लेने के लिए, नहीं तो चूड़ी वाला। चूड़ी वाला उतना अच्छा कलेक्शन नहीं आता है, बट सिप में आता है बहुत सारा कलेक्शन। तो जितना है मेरे पास वो मैं दिखा दे रही हूँ अभी आप लोग को। और वैसे भी मेरा शादी का तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो ज़्यादा मेरे पास है नहीं, बट जो भी आप देख लीजिए। सो नेक्स्ट आई हैव दिस, ये भी मैं उधर इसी के साथ ली थी, लाइक बेतिया में। ये जो लड़की है अभी मैं दिखाई हूँ, उसी के साथ मैं इसे भी ली थी। काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो एक एक पीस है, और इस तरीके का मैं बहुत पहनती हूँ, इसलिए मैं ले ली थी। और ये जो है वो मुझे मेरी दीदी गिफ्ट की थी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। मेरा और मेरे हस्बैंड का इसमें फ़ोटो है और नाम वगैरह भी लिखा हुआ है, तो वही गिफ्ट की थी। इसे मैं एक दो ही बार पहनी हूँ, ज़्यादा नहीं पहनी हूँ, इसीलिए। और ये तो मैं मुजफ्फरपुर से ली थी, जब मैं शादी के टाइम जब मैं शॉपिंग कर रही थी, तो एक एक पीस ले ली थी, अच्छा लगा था इसी वजह से। और नेक्स्ट आई हैव, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, और अब मेरे पास है ये कड़ा, कड़ा इसको नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और इसे भी मैं पटना से ली थी, और इसको ना मैं पहनी थी अपने इंगेजमेंट में। ये और ये दोनों सेम है, मतलब चारों सेम है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था ये। और इसका जो ये है ना, एक सेकेंड फोकस नहीं हो पा रहा है, और इसका जो वर्क है ना, वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, बस मैं इसे इंगेजमेंट में ही पहनी थी, उसके बाद मैं कभी पहनी नहीं हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिला पहनने का एक्चुअली। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, तो इसे मैं ले ली थी। और जब मैं साइड साइड वॉल में लगा के पहनती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। ये ड्यूरेबल भी है, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। बस इसे क्या होता है ना, परफ्यूम और वाटर से बचाना होता है, दैट्स ऑल। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब मैं ये ली थी ना, ये जहाँ से ली थी उसी के यहाँ से मैं ये भी ली थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन रखते हैं, इसलिए। नेक्स्ट आई हैव दीज टू पीस, ये मेरी मम्मी दी थी मेरे को, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसे भी मैं अभी नहीं पहनी हूँ, बट आई विल ट्राई टू वेयर। मेरे पास है बहुत सारा, तो मैं इसे रेगुलर ही यूज़ करूँगी, जब भी मुझे मौका मिलेगा तब। नेक्स्ट आई हैव दिस, एक सेकेंड, ये भी लड़ी है, और इसको भी मैं ना, मैं देवघर से ली थी जब मैं गई थी उस वक्त। तो थ्री पीस का आता है ना वो, और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, लाइक दूर से ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे इसे ले ली हूँ। और अभी तक कि ऐसे ही पैक्ड है, मैं इसे अभी रिसेंटली मैं खोल रही हूँ, और मैं इसे एक भी बार यूज़ नहीं की हूँ, मौका ही नहीं मिला एक्चुअली मेरे को, इसी वजह से। और नेक्स्ट आई हैव दीज, ये भी मैं शादी के टाइम में ली थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, बस अच्छा लग गया था, मैं ले ली थी, कोई रीज़न नहीं बना, बट इट्स ओके। इसे भी मैं नहीं यूज़ की हूँ। बहुत सारा ऐसा चीज़, बहुत सारा आई मीन बहुत सारा ऐसा बैंगल्स है मेरे पास, जो मैं नहीं यूज़ की हूँ, बट इट्स ओके, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं यूज़ कर लूँगी। सो यही है मेरे पास बैंगल का कलेक्शन गाइस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी है, अच्छा लगा, ख़राब लगा, क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या मेरे पास होना चाहिए, वो सब आप कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग गया मुझे। सो दैट्स ऑल गाइज, यही था मेरा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।